everything that BCCI does is for non-cricketing purposes. All expenses are for all other purposes like administrative and others. They don't even purchase cricket balls. And if you don't purchase cricket balls, how do you play cricket? और बाकी बहुत सारी चीज़ें. तो हमने जब वो हाईलाइट किया, देन आई फाइल्ड अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑन दिस, आस्किंग फॉर टू थिंग्स, दैट ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं, ये BCCI की क्रिकेट टीम नहीं है, ये देश हिंदुस्तान भारत की क्रिकेट टीम है, हमारे सेंटिमेंट्स इनके साथ मिले हुए हैं, ये जीतते हैं तो हमें खुशी होती है, हारते हैं तो हम दुख हो जाता है हमें. तो इसलिए इनको बोलो कि ये अपने अकाउंट्स जो हैं पब्लिकली रिवील करें और प्लेयर्स को XYZ दें, देश भारत देश के लिए खेलते हैं, जो नेशनल फ्लैग है यूज़ करते हैं, क्रिकेट ग्राउंड जो हैं वो हमारे टैक्स पेयर मनी से के ऊपर इनको एट थ्रो वे प्राइसेस दिए जाते हैं. सो वी मेड आउट अ ब्यूटीफुल केस एंड वी वेंट टू कोर्ट सेइंग कि या तो ये बहुत ही निकम्मे लोग हैं या ये बहुत बेईमान लोग हैं, तो आप डिसाइड कर लो ये निकम्मे हैं या बेईमान हैं. निकम्मे हैं तो भी नहीं होने चाहिए, बेईमान हैं तो बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए. सो एंड वी फ्रेंकली वी थॉट कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट हमें एडवर्सली कुछ बोलेगी या कुछ करेगी. तो फर्स्ट टाइम जब हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने बोला, मिस्टर मेहरा, डोंट यू हैव एनीथिंग बेटर टू डू इन इंडिया वेयर देयर सो मच ऑफ पॉवर्टी, देयर सो मच ऑफ इलिटरेसी, आप ऐसे मुद्दे लेकर आओ, क्या क्रिकेट का मुद्दा ले आए हो आप. एनी वे वी हम तो जुनून था हमारे ऊपर, तो हम लगे रहे. द की थिंग विच आई टेल एवरीबडी, इफ़ यू हैव समथिंग विच यू आर पैशनेट अबाउट, द डिटर्मिनिंग फैक्टर कि आप उसमें सक्सीड करेंगे या नहीं करेंगे, वो है कि आप परसिवियर करते हो कि नहीं करते. तो अगर आप में ऑब्स्टिकल्स आए, कोई उतार चढ़ाव हुआ और आप डर के बैठ गए या थक के बैठ गए, तो आप सक्सीड कभी करी नहीं करोगे नहीं उसमें. तो आई परसिवियर्ड और 5-6 साल लगे उसमें, और एक बहुत अच्छी लैंडमार्क प्रिलिमिनरी इशूज़ के ऊपर जजमेंट आई, जिसमें उन्होंने कहा कि BCCI फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, BCCI इवन टुडे इज़ द यू नो द बेस्ट इन द सेंस द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड मॉनिटरी वाइज यू नो हैविंग द मैक्सिमम मनी, दैट काइंड ऑफ फेडरेशन वी चैलेंज सक्सेसफुली. उसमें ये कहा गया कि आप जो कह रहे हैं कि हाँ ये इनकी उत्तरदायित्व होना चाहिए और पारदर्शिता होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए. सो द एंटायर स्पोर्ट्स लॉ गॉट टर्न्ड ऑन इट्स हेड विद दैट जजमेंट. Thank you.